ये बच्चा इस अदालत में क्या कर रहा है? जज साहब, ये मेरा क्लाइंट। पर ये तो अभी अंडर एज है। जनाब, ये सिर्फ उम्र से अंडर एज है, वरना इसके करतूत निहायत ही घटिया, निर्लज और चरित्रहीन है, किसी छठे हुए अपराधी से कहीं बदतर। आप कौन? मैं इसका भागा पाप हूँ। एक बेटा अपने पिता पे मुकदमा करना चाहता है, वो भी अंडर एज। जैसा मेरे क्लाइंट दावा करते हैं कि उनके पिता विपुल जी उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारपीट करते हैं। सर, जब भी इन्हें पता चलता है, सर मुझे बहुत मारता है, सर मुझे बहुत मारता है, सर चमड़े के पट्टे से मारता है, मेरे चमड़े छिलछिले। अरे मारू नहीं तो क्या करूं? तूने तन मन चरित्र सब ठंड नाली में डाल डाला। नहीं सर, मारता है सर, इन्हें अंदर डालिए सर। अरे अरे आप लोग चुप हो जाइए। भाई डिफेंस को कुछ कहना है? योर ऑनर, हमारी दलील है कि ये मार बहुत जरूरी है नकुल को बुरी आदत से बचाने के लिए। वकील साहब, एक बच्चे पर हाथ उठाना क्या इससे भी बड़ी कोई बुरी आदत हो सकती है? बार बार वो करना वो सिर्फ बुरी आदत नहीं है बल्कि सरासर पाप है। जैसा वो मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं पाऊंगा, आप लड़के के पिता के मुंह से खुद ही सुन ले। मैं मारना नहीं चाहता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। सर नहीं सर, ये झूठ बोल रहे, ये इनकी कोई मजबूरी नहीं है सर। अरे चुप सर, इनको शौक है सर, मारने का शौक है इनको। ऐसी क्या मजबूरी है जो एक पिता को पशु बना देती है? फ्रॉम फादर टू बीस्ट। कैसे बताऊं जनाब, बताने भी मेरी जबान कांप रही है। नहीं आप बोलिए, खुल के बोलिए, अदालत तोतली भाषा भी समझती है। जनाब जब भी मौका मिलता है ये हर बार जाकर बाथरूम में। क्या बाथरूम में? क्या जनाब, बाथरूम में जाकर हिलाता है। हिलाता है यानी कि मास्टरबेशन, हस्तमैथुन। जज साहब, मास्टरबेशन या हस्तमैथुन ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है, लेकिन हाँ, किसी नाबालिग पर हाथ उठाना, उसे मारना, ये सरासर जुर्म है। असॉल्ट, चाइल्ड अब्यूज का सीधे सीधे केस बनता है। जैसा माना योर ऑनर, माना, मगर अपनी औलाद की परवरिश का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक बाप पर होता है। अपने बेटे के चरित्र को पावन रखने के लिए उठाया हुआ हर हाथ हर कदम जायज है और यही हमारा दावा है। जज साहब, चाल चलन चरित्र किसी भी बच्चे का माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों से बनता है, ना कि मास्टर विजन। जज साहब, मैं अपने पहले गवाह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। फास्ट डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अदालत को ये बताएं कि क्या मास्टर विजन करना सेहत के लिए हानिकारक है? इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। जी नहीं, मेडिकल साइंस ने सालों पहले यह सिद्ध किया है कि ये एक नॉर्मल चीज है। मेडिकल रिसर्च हमें यह बताता है कि लगभग 80% लोगों ने इसका एक बार तो तजुर्बा लिया ही है, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द। That's all, Your Honor. अब ये अदालत को तय करना है कि अदालत किसी भी नॉर्मल और नेचुरल बात के लिए किसी को सजा का हकदार मानती है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर ये मास्टरबेशन आदत बन जाए तो क्या ये बुरी बात नहीं? मेडिकली तो नो है? जी हाँ, मेडिकली नो, लेकिन अगर हाँ, आदत अगर ज्यादा हो जाए तो वो बुरी होती है, फिर चाहे वो मास्टरबेशन हो, अचार पापड़ खाना हो या हाथ उठाना। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये सच नहीं है कि मास्टरबेशन करने से आदमी का धातु व्यर्थ होता है, उसमें तन मन में कमजोरी आती है, उसकी मर्दानगी कम हो जाती है? ये सब बेकार की और मनगढ़ंत बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिसे और वो सड़क पर फालतू की जड़ी बूटी बेचने वाले धातु कहते हैं ना, दरअसल वो स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं और ये शरीर में ना ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जस साहब, क्या मतलब है आपका, और हम कैसे मान ले? मतलब देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे खून बनता है ना शरीर में, वैसे ही हमारे शरीर में शुक्राणुओं का लगातार उत्पादन होता रहता है, ये लगातार बनते हैं। माफ करना, आप मैंने यो बताओ, अगर टंकी में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाए तो क्या होता है? टंकी ओवरफ्लो हो जाती है और क्या। एग्जैक्टली यो है बात मैं कहना चाहूंगा। अगर शरीर में शुक्राणुओं की मात्रा यानी मर्द के टेस्टिस
जिन्हें बोलचाल की भाषा में बोल्स कहते हैं ना, उनकी कैपेसिटी अगर ज्यादा हो जाए तो शरीर उन्हें बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देता है? हाँ, अपने आप। देखिए, उसके भी दो तरीके हैं। अगर आप लोगों की भाषा में या बात समझाई जाए उस तरह से, तो ये हिलाकर भी बाहर निकाला जा सकता है और फिर अपने आप भी निकल जाता है। कोई अगर ऐसा नहीं करे तो? तो जी, ये रात को सोते हुए अपने आप बह जाते हैं, जिसे हम स्वप्न दोष या नाइटफॉल कहते हैं। क्योंकि कुदरत ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि ये जो शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं, इनको निकलना ही होता है। अब चाहे इनको अपनी मर्जी से निकालो या बिना मर्जी के, लेकिन इनको निकलना ही है। तो आप कह रहे हैं कि मास्टरबेशन एक अच्छी चीज है? ये नॉर्मल चीज है। अच्छा बुरा तो हमारे मन का वहम है। मेरा तो मानना है कि जब शरीर में उत्तेजना हो ना, व्हेन यू आर सेक्सुअली अराउज्ड, इट इज जस्ट नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। नहीं, ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या मास्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है मानसिक रूप से भी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मानसिक रूप से तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जी, और इसके लिए जिम्मेदार समाज और अंधविश्वास है। मतलब गिल्ट फील मतलब उसको दोषी ठहराना। अब एक बच्चा है बेचारा, मासूम सा, उसके शरीर का विकास हो रहा है, वो उसे समझना चाहता है, वो स्कूल जन्म में फंसा है, और हम लोग जो हैं उसको सच्चाई बताते नहीं है, उसके मासूम से मन में ये कूड़ा कचरा भर देते हैं। जैसा मास्टरबेशन यानी हस्तमैथ, जो बच्चा करता है तो उसे कहा जाता है कि तेरे चेहरे पे पिंपल आ जाएंगे, तू अंधा हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तू सेक्स करने लायक नहीं रहेगा, मतलब मर्दानगी कम हो जाएगी। ये सब ढकोसले हैं, माया जाल है, झूठ है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, इट्स ए सोशल ट्रैप। अपने बच्चों को सच्चाई बताओ, उन्हें अंधेरे में मत धकेलो, उन्हें उजाले की तरफ लेके आओ, पिता बनो, दोस्त बनो उनके। हाँ हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। कुछ कहना है आपको? ये सारी बातें तो सबसे पहले हम पेरेंट्स को जानना चाहिए। अब हमें समझ में आया कि मैस्ट्रोबेशन करने से, यानी हस्त मैथुन करने से, शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि बाप और बेटे का रिश्ता कमजोर हो जाता है। मैं अब आपके सामने वादा करता हूँ जैसा, कि मैं अब हाथ से नहीं बात से काम लूंगा। अगर ऐसा है तो मेरा हाथ भी कम ही चलेगा। अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले ये बात विपुल जी से और दुनिया के हर बाप से पूछना चाहती है, क्या अपने दिल पे वो हाथ रख के कह सकते हैं कि उन्होंने कभी ये काम नहीं किया, कभी नहीं हिलाया, कभी मास्टरबेशन नहीं की? केस डिसमिस। एक मिनट जज साहब, एक मिनट। अब क्या है? एक सेल्फी हो जाए। क्यों नहीं?